बंगाल में लॉकडाउन लागू कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए राज्यपाल। कोरोना के बीच किसानों के लिए खुशखबरी, भारत में इस साल सामान्य मानसून की संभावना। महाराष्ट्र पर सबसे अधिक टूटा कोरोना का कहर, आज 117 नए मामले आने पर मरीजों की संख्या 2800 पार, 178 मौतें। कोरोना मरीजों को हिंदू मुस्लिम के आधार पर अस्पताल में मिल रहे हैं अलग अलग वार्ड। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी सेल्फ क्वारंटाइन में, कल कोविड-19 पॉजिटिव कांग्रेस विधायक से की थी मुलाकात। सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में जन समस्याओं को लेकर सहारनपुर जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। सांसद ने 14 दिन से ज्यादा तबलीगी जमात के क्वारंटाइन लोगों को घर भेजने की मांग की, जिनका समय पूरा हो गया है। कोरोना काल में घट गई थोक वस्तुओं की कीमतें, मार्च में VPI की दर हुई 1%, सब्जियों ने दी राहत पर प्याज महंगा। बांद्रा में भीड़ जुटाने के आरोपी विनय दुबे का UP से नाता, बनारस से लड़ चुका है विधानसभा का चुनाव। कोरोना मुक्त हुआ अलीगढ़, इकलौते मरीज की तीसरी रिपोर्ट आई नेगेटिव, अलीगढ़ अब कोरोना मुक्त हो चुका है। कोरोना के मामले 11,000 के पार पहुंचे, सरकार बोली देश में नहीं है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जनपद बिजनौर के सहारनपुर चेयरमैन महराज अहमद ने पूरे नगर पंचायत में सैनिटाइजर कराया और क्षेत्र की जनता से लॉकडाउन का पालन करने व घरों में रहने की अपील की। हम बात करेंगे आज जनपद बिजनौर के सहारनपुर की, जहां पर सहारनपुर में मेरे साथ नगर पंचायत सहारनपुर महराज अहमद साहब है, जो एक अच्छी व्यवस्था सहारनपुर क्षेत्र वासियों के लिए कर रहे हैं। मैं महराज अहमद, नगर पंचायत सहारनपुर चेयरमैन जनपद बिजनौर। नगर पंचायत सहारनपुर में सफाई की, पानी की और कस्बे के में एंटी लार्वा छिड़काव सैनिटाइज बार बार कराया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं यहां पर चल रही हैं और अभी तक कस्बा सहारनपुर में कोई इस तरह का केस भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी जनता से, कस्बा सहारनपुर वालों से, क्षेत्रवासियों से अपील है कि कृपया अपने अपने घरों में रहें, पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करें। ये बीमारी बहुत बड़ी है, हमें मिलजुल कर इसका सामना करना है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ चेयरमैन महराज अहमद, जो अपने क्षेत्रवासियों के बारे में एक अपील भी कर रहे हैं और अपील को मानना भी चाहिए। कैमरामैन अरहम के साथ मैं ताबिश मिर्जा, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, बिजनौर।